हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 29 जुलाई। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे करंट अफेयर स्टार्ट करिए, करंट अफेयर पढ़ाई कर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना। देखिए, मैं दो चीज़ें सोच रहा था, अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि या तो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, डेली ऐसे करंट अफेयर जैसे पढ़ना है डेली एक करंट अफेयर पढ़ते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, राइट। तो एक सब्जेक्ट हम सब बच्चों के लिए फ्री में ऐसे ही आप लॉन्च करके आराम से उसको पढ़ा सकते हैं, वो मतलब बिल्कुल ही पेड कंटेंट जैसा ही होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप करंट अफेयर कहेंगे तो हम करंट अफेयर रेगुलरली आपको पढ़ाते रहेंगे, या फिर आप कोई सब्जेक्ट कहेंगे तो हम आपको सब्जेक्ट अब पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट का फायदा ये रहेगा कि देखो, करंट अफेयर तो मुझे लगता है कि मोर और लेस बच्चे कहीं ना कहीं से तो देख ही लेते हैं, बट सब्जेक्ट वगैरह के लिए उनकी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती। तो मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा था, अगर आपको ठीक लगे तो आप जरूर कमेंट करें कि सर नहीं, करंट अफेयर चलने दीजिए या फिर पॉलिटी चलने दीजिए, ठीक है। लेकिन जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है बुक्स की, आप डायरेक्टली यहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। और जिनको हमारा एनसीईआरटी का वीडियो पैक लेना है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 1799 का हमारा पैक है, 1800 रुपये का सी सेट, आप 499 में ज्वाइन कर सकते हो। हमारा रीजनिंग कम्प्रेंशन हो चुका है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस वगैरह हम आगे चल के करेंगे भी, और इसमें मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हमारे वेरियस वीडियो पैक भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एसे सी सेट है, करंट अफेयर्स कोर्स है, जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे उसमें कॉम्बो पैक भी कर रखा है कि थोड़ा सा उसमें आपको और रियायत मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है, तो हमारा कॉम्बो पैक में आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक। पेमेंट मैंने पहले ही बता रखा है, इसी इस पे आप क्या कर सकते हो, 8848 5335 पे हमारा फोन पे, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम है, यूपीआई, सब कुछ इसी नंबर पे है। डायरेक्टली आप इस पे पेमेंट कर सकते हो, या फिर हमने अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर रखा है, आप अकाउंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कोरोना केसेस की देखो बात करें तो कोरोना केस दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग कहते हैं टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों तो इसका मतलब है कि कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, बेसिकली हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार और नीतियाँ जो भी कह लें आप, इस मामले में थोड़ा सा एग्री नहीं होता हूँ, क्योंकि अगर आप कहते हो कि टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए केस ज़्यादा आ रहे हैं, ये लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक तो ये हुआ कि केस ज़्यादा हैं पहले से, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा हम लोग मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम पे जिनको कोरोना हो जाता है, उनका कोरोना माइल्ड कोरोना है तो वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है, और उनको पता तक नहीं चलता। जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, आपने दवाई ववाई ली और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ठीक हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोरोना हुआ था बेसिकली, ठीक है। अभी जो हालत है ये लगभग आजकल वेरी कर रहा है दोस्तों, 46,000 से लेके 50,000 के बीच में वेरी कर रहा है प्रतिदिन केसेस, मतलब इसी के बीच में डेली केसेज आ रहे हैं। जैसे कल के केस की बात करें तो कल जो कुछ दो, दो, दो जो केसेज आए दोस्तों, ये थे टोटल 48,000, ठीक है। तो लगभग 15,32,000 केसेस हो चुके हैं इंडिया में। और इसके अलावा बात करें WHO के, देखो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 194 इसके सदस्य देश है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संगठन है, बेसिकली सरकार इसमें हस्तक्षेप करती, सरकार के इसमें पार्ट्स होता है। 7 अप्रैल 1948 इसने कार्य करना चालू किया गया था, इसी दिन को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन WHO कुछ रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और कोरोना फैलने की बात करें तो देखो, वुहान सिटी से फैला दोस्तों, ये वुहान सिटी कहाँ पे है, चाइना में है, और किस नदी किनारे, तो ये नदी याद रखिएगा, नदी जो है यांगसी रिवर के किनारे, यांगसी रिवर ऐसे तो उसको फ्लो होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं साइक्लोस्पोरा की। देखो साइक्लोस्पोरा क्या है बेसिकली, किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो ये जानी है। देखो एक अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो USA में एक बीमारी फैली जिसको लगभग 11 राज्यों में फैल गई है, इसको नाम क्या दिया गया, साइक्लोस्पोरा। अब कहा तो जाता है दोस्तों कि जो सैलड होते हैं ना, सैलड जिसको सलाद हम बोलते हैं, राइट, इंग्लिश में सैलड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सलाद। तो जनरली हम लोग सलाद क्या, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली जो भी खाते हैं, राइट, तुरंत काटते तुरंत खाते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में तो ऐसे ही चलता है, डेवलप जो कंट्री हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जो पहले से डेवलप हो चुके हैं, अगर डेवलप की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे बेसिकली होता है ये कि सब कुछ पैक्ड फूड मिलता है। बेसिकली आप देखोगे तो सलाद भी अगर आपको चाहिए तो पैक्ड मिलेगा, चिकन चाहिए तो पैक्ड मिलेगा, ब्रेड चाहिए पैक्ड मिलेगा, बटर चाहिए पैक्ड मिलेगा, सब कुछ A to Z सारे सामान वहाँ पे पैक्ड मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड बेसिकली इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें पैक्ड मिलती हैं, अगर आपको चिकन भी लेना है, सब कुछ जैसे आज के टाइम पे हम यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें अपने, तो यहाँ पे जनरली जो चीज़ें हम तुरंत मतलब तुरंत काटते पीटते हैं, तुरंत खाते हैं, बेसिकली कंज्यूम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे सारी पैक्ड होती है। तो इसकी वजह से कहा जाता है दोस्तों ये बीमारी फैली है, साइटानेसिस समथिंग है, साइक्लोस्पोरा साइटानेसिस कोई बैक्टीरिया, इसकी वजह से वो फैला हुआ है, जिसमें क्या कहता है आंतों को जाके हमें नुकसान पहुंचाता है ये बेसिकली। इसकी वजह से होता क्या है कि आपके वजन कम होने लगेगा, सूजन हो जाएगी शरीर में, बिजली आने लगेगा, बुखार होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा, दस्त जैसी बीमारियां होने लगेंगी, ठीक है, जिसको हम बेसिकली आज के अपने आम भाषा में फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं ना,
सेम ऐसे ही समझ लो, फूड पॉइजनिंग जैसा केस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा जाता है कि साइक्लोस्पोरा हाल ही में चर्चा में रहा किस कॉन्टिनेंट की बात है। ठीक है, तो याद रखेंगे किस कॉन्टिनेंट की बात आती है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं बिस्केयर। तो बिस्केयर क्या है, बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि देखो अभी क्या कोरोना काल में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों बिस्केयर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया और वेबसाइट भी लॉन्च किया। ठीक है, मानक ऑनलाइन। तो बेसिकली अगर किसी चीज़ की, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड है उसका कि नहीं है। जैसे सब उसको 22 कैरेट का मैंने सोना खरीदा, अब आपको पता ही नहीं कि 22 कैरेट का आपने सोना खरीदा कि नहीं, तो उसको ऑनलाइन के लिए भी इन तीनों पोर्टल का यूज़ कर सकते हो, मानकीकरण के लिए, अनुरूपता के लिए, आकलन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। जैसे हॉलमार्क वगैरह नहीं होते, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट जिसको ISI बोलते हैं, हॉलमार्क। ठीक है, हॉलमार्क बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसकी जांच करने के लिए और इसकी शिकायत करने के लिए इस वेबसाइट का बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखें। देखिए एक चीज याद रखें, जब भी किसी वेबसाइट की बात आए, जैसे मानक ऑनलाइन डॉट इन की बात है, तो आप इस वेबसाइट को मेरे हिसाब से ना विजिट करना चाहिए। जैसे बिस केयर की बात आती है, ठीक है, तो आपको इस पे क्या करना चाहिए, इस पे दोस्तों आके आपको ऐप को डाउनलोड करिए, देखिए ऐप को, फिर उसके बाद डिलीट मार दीजिए, अनइंस्टॉल मार दीजिए। ठीक है, बट एक बार विजिट जरूर करिए। इससे फायदा आपको ये हो जाएगा दोस्तों कि आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे, उसका अंतर तक जाके देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। तो अगर आप जब भी BIS की बात हो रही है या मानक ऑनलाइन की बात हो रही है, तो जब वेबसाइट विजिट करिए, देखिए उस पर क्या क्या है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इतनी इंग्लिश तो आपको समझ होगी, मुझे जहां तक लगता है कि इतनी आप इंग्लिश समझ पाओगे कि चीजें क्या क्या उसके अंतर्गत है आप समझ पाओगे। ठीक है, इतनी चीजें दोस्तों जरूर किया करिए, थोड़ा सा आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। डेयर टू ड्रीम 2.0 की बात करें दोस्तों, तो ये अब्दुल कलाम जी की 5वीं पुण्यतिथि थी, 27 जुलाई को। इस दिन बस बेसिकली DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया डेयर टू ड्रीम। बेसिकली इसका पर्पज क्या है, जैसे आपका आजकल आजकल आपको पता होगा कि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, तो उसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत में, कि हम सेल्फ रिलायंट बने, और बेसिकली क्या है कि जो चीजें हैं इंडिया खुद से करे, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे रोजगार हो, चाहे श्रम हो, सब कुछ खुद से मैनेज करने की कोशिश करे भारत, किसी और देश पे डिपेंड ना रहे। तो बेसिकली क्या हो रहा है 2.0 में दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा, जो इनोवेटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। आप जैसे आपको याद हो कि एक स्कीम बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का बेसिकली क्या था कि अगर आपके पास आइडियाज हैं, ठीक है, 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, अगर आपके पास आइडियाज हैं तो आप आइए, विज्ञान भवन में बेसिकली हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास आइडिया है तो आइए शेयर करिए। ठीक है, उसमें पुरस्कार राशि तो उसमें नहीं दी गई थी, लेकिन अभी इसमें क्या है कि अगर आपके पास विजयी होते हैं, तो फर्स्ट प्राइज मिलता है आपको, तो बेसिकली स्टार्टअप को आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर कंबाइंड स्टार्टअप है तो, अगर इंडिविजुअल है आपको तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए जो आपको पॉइंट रिलेवेंट हो जाता है। हरिकेन हात्रा हाना, ठीक है, हरिकेन हाना की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों ये कहाँ पे आया, तो याद रखिए हरिकेन हाना संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्सास से टकराया था बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका का जब आप पूरा ऐसे मैप बनाओगे तो अमेरिका यहाँ पे, तो ये इस इलाके में पूरा आता है हरिकेन। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा आपको, अब याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, या इंडियन ओशियन में जो आते हैं तूफान उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोन बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, बिली बिली कहाँ बोलते हैं आपको ये देखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अमेरिका में क्या बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपको मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ। ये सारे आपके काम है कि आपको सारे जितने साइक्लोन बोले जाते हैं ना, कॉन्टिनेंट वाइज या एरिया वाइज, वो आपको एक बार देख के रखना है। क्यों, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग, UPSC हो सकता है हरिकेन के बारे में ना पूछे, टाइफून के बारे में पूछ दे, विली विलीज के बारे में पूछ दे, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग पता होना चाहिए कौन से देश से इसका रिलेशन है, किस देश के आसपास का है, किस कॉन्टिनेंट का है। तो थोड़ा सी आपका लिए होमवर्क मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कश्मीरी केसर के लिए भौगोलिक टैग मिला, GI टैग मिला कश्मीरी आपको केसर को। तो GI टैग क्या होता है कि इसको हम एक भौगोलिक संकेतक के रूप में कहते हैं या जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में बेसिकली बात करते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली होता है कि जैसे हम किसी को GI टैग दे देते हैं, तो देखिए नाम में ही भौगोलिक, जियोग्राफिकल का मतलब उस स्थान विशेष पे, तो बेसिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पे क्या मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगी। मतलब आपको अगर कश्मीरी केसर चाहिए, ठीक है, तो कश्मीर ही जाना पड़ेगा बेसिकली। ये ऐसा नहीं है कि आपको आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे भी कश्मीरी केसर उगे हुए मिलेंगे, नहीं, जो ये कश्मीरी केसर है बेसिकली वो आपको वही मिलेगा।
बेसिकली एक जैसे लीची की बात करते हैं तो बिहार के फेमस राज्य जिलों में मिलते हैं, तो ऐसे जैसे बनारसी साड़ी की बात करें तो बनारस में बेसिकली मिलता है, राइट। तो ये सारी जैसे फेमस में ना असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग की चाय बेसिकली आपको दार्जिलिंग में ही मिलेगी। हाँ, वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं अलग कैसे, लेकिन आपसे कहा जाए कि यहाँ उगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में ही उगती है बेसिकली, ऐसा नहीं कह सकते कि हम केरल में दार्जिलिंग की चाय उगा रहे हैं, बेसिकली ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली पर्पज होता है कि हम इस एक स्थान विशेष को क्या करते हैं, स्पेशली उसको हम एक स्पेसिफाइड नेचर में दे देते हैं चीजें कि हाँ ये चीज यही पाई जाएगी बस, ठीक है। तो इससे देखो टूरिज्म भी बढ़ता है, एक तरह से टूरिज्म भी बढ़ता है, लोग देखने आते हैं कैसी चीज क्या है। दूसरा ये कि उस राज्य का भी एक तरह से स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। जिनको वीडियो पैक्स लेना दोस्तों आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। एनसीईआरटी में हमारे सीसेट क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो पैक है वेरियस वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉम्बो पैक में हमने कन्वर्ट कर रखा है, आप चाहे तो कॉम्बो पैक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट मेथड मैंने बता दिया आपको, और ठीक है आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।